गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस आई एम श्रेया। सो गाइस आज का वीडियो एक ज्वेलरी हॉल होने वाला है। मैंने मिंत्रा से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, इयररिंग्स और कुछ रिंग्स हैं। सो आज मैं उन्हीं का रिव्यू करने वाली हूँ। सो लेट्स सी वो कैसे आए हैं, चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस लेट्स सी द फर्स्ट वन। सो द फर्स्ट वन इज़ अ रिंग, से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आई है फ्रॉम द ब्रांड जावेरी पर्ल्स। एंड गाइस इसका प्राइस है 1560, बट उतनी की ली नहीं है मैंने। अंदर की पैकेजिंग भी कुछ इस तरीके की है, प्लास्टिक रैप में आया है। मिंत्रा अपनी ज्वेलरी को काफ़ी अच्छे तरीके से बबल रैप में पैक करके भेजते हैं, ये भी बबल रैप में पैक था। सो गाइस फर्स्ट वन इज़ दिस रिंग, काफ़ी बड़ी है एज यू कैन सी। आपके पूरे हैंड को कवर कर देती है, फिंगर को। सो या गाइस एंड काफ़ी अच्छा है, बहुत स्टडी है ऐसा। आई लव दिस वन। ऑल ओवर ना कुछ इस तरीके से वर्क डिज़ाइन हो रखा है पूरे रिंग पे, एज यू कैन सी। मैं इसका एक क्लोज अप वीडियो भी ऐड कर दूंगी। सो गाइस लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन ये ब्रांड है, प्रेयसी ब्रांड का है। सो गाइस नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। मिंत्रा के सारे ज्वेलरीज ना ऑलमोस्ट सारे आपको इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ही मिलती हैं। कोई कोई प्रोडक्ट ही होती है जो वो प्लास्टिक वाले डब्बे में डिलीवर करते हैं, बट बाकी सारे जितने भी हैं सब कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ही आती हैं। सो गाइस इसका प्राइस है 1100। सो गाइस इट्स अ ब्रेसलेट रिंग, यू कैन सी ऑल ओवर कुंदन का वर्क है। यहाँ इधर स्टोन का वर्क हो रखा है, यहाँ बीच में बड़ा सा कुंदन स्टोन लगा हुआ है, कुंदन लगा हुआ है बीच में, फिर नीचे पूरा कुंदन का वर्क है, अगेन फिर से स्टोन का वर्क है, बीच में एक कुंदन है एंड देन फिर से नीचे कुंदन का वर्क है। सो गाइस इस तरीके के ब्रेसलेट रिंग्स ना आप साड़ी सूट के साथ वेयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। एक हाथ में ये ब्रेसलेट और एक हाथ में आपका जो भी मन करे आप वो वेयर कर लो। सो काफ़ी अच्छी लगती है और यू नो हाथ खाली भी नहीं लगता और कुछ ज़्यादा वेयर भी नहीं करना पड़ता है। सो आई जस्ट लव दिस टाइप के पीसेस, सो दैट्स व्हाई मैंने इसे मंगवाया है। सो या गाइस एंड इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टडी है, जल्दी टूटने वाली नहीं है और जल्दी तो ख़राब बिल्कुल नहीं होने वाली अगर आप अच्छे से स्टोर करो तो। स्टोर करके रखोगे अगर तो ये कभी ख़राब नहीं होने वाली है। जैसे मैं अपने ज्वेलरीज को ऑलवेज रखती हूँ प्लास्टिक रैप में, जिस रैपर में ये आता है उसी रैपर में मैं इसको अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ। सो मेरी ज्वेलरीज काफ़ी टाइम तक चल जाती है। सो या गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट वन। एंड गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि आज शिवरात्रि है और मेरे घर के बगल में मंदिर है, सो दैट्स व्हाई वहाँ से नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। सो गाइस लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस रिंग गाइस, ये भी जावेरी पर्ल्स की है। प्राइस मैं स्क्रीन पे दे दूंगी आपको, एक्चुअल प्राइस इसका जो MRP है वो और कितने में मैंने लिया है वो भी। सो ऑल ओवर इस पर कुंदन का वर्क है, काफ़ी बड़ी है ये भी। इस तरीके की रिंग ना काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ी ऐसी उठी हुई है ये, यू कैन सी फ्लैट नहीं है, थोड़ी उठी हुई है। सो उसकी वजह से ना इसका लुक और ज़्यादा खूबसूरत आता है। सो गाइज लेट्स सी द फोर्थ वन। सो द फोर्थ वन इज़ दिस इयर रिंग गाइज, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट इयर रिंग गाइज, आई जस्ट लव दिस वन। मैंने इसको पता नहीं कितने टाइम से अपने विशलिस्ट में सेव करके रखा हुआ था इसको। इसका प्राइजेस काफ़ी हाई रहता था, लेकिन पता है क्या, मिंत्रा पे ना आपको हर घंटे प्राइजेस डाउन होते रहते अप होते रहते हैं, तो मैंने उसी वक्त इसे ऑर्डर किया था। आई जस्ट लव दिस वन। ऊपर में ना रियल वाले मिरर्स लगे हुए हैं, हाफ मून बना है, ऊपर फ्लावर है, नीचे एक बड़ा सा डोम शेप का झुमका है और उसमें इस तरीके से कुछ हैंग हो रखा है चेन टाइप से। बहुत खूबसूरत पीस है गाइस, आई जस्ट लव दिस वन। थोड़ी हैवी है बट लुक वाइज बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये, आई जस्ट लव दिस वन सो मच। काफ़ी सुंदर लगता है ये वेयर करने के बाद, आप इसको ब्लैक कलर के आउटफिट के साथ वेयर कर लो, काफ़ी क्लासी पीस है, पूरे लुक को इन्हेंस कर देगा ये इयररिंग। सो या गाइस एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है,
स्टडी है, कहीं निकलने वाली नहीं है, मिरर भी कहीं नहीं निकलने वाले हैं, काफ़ी अच्छे से इसमें चिपकाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो ये कहीं निकलने वाला नहीं है, सो डोंट वरी। मिंत्रा के जो ज्वेलरीज होती है ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हाँ थोड़े प्राइजेस हाई होते हैं, बट क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे होते हैं। सो या दिस इज गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज़ अगेन एक ईयरिंग है, गोल्डन कलर की, काफ़ी बड़ी है। इसमें ऑल ओवर इस तरीके के पेटल्स हैंग हो रहे हैं, पेटल डिज़ाइंस में कुछ हैंग हो रहा है इस तरीके से, विच लुक सो प्रिटी। आप इसको सॉलिड कलर के साथ वेयर कर लो, बहुत खूबसूरत लगती है। काफ़ी बड़ी है ये, यू कैन सी बहुत बड़ी है इसकी भी, ये बहुत स्टडी है, ये भी कहीं टूटने वाली नहीं है इतनी जल्दी। प्राइजेस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, ब्रांड नेम भी आपको मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। सो या दिस इज़ द फिफ्थ वन आई थिंक, सो काउंटिंग भूल गई मैं। सो या, सो गाइज लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज़ अगेन एक ईयरिंग है, ये गोल्डन और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में है। आई होप यू कैन सी, गोल्डन और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में है और काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ी है और थोड़ी हैवी भी है, बट बहुत खूबसूरत लगती है गाइज। ये भी साड़ी के साथ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये कोई अपना कोई भी सॉलिड कलर की साड़ी वेयर कर लो और उसके साथ ये ईयरिंग आपके पूरे लुक को ना इन्हेंस कर देने वाली है। ये वाली ईयरिंग बहुत खूबसूरत है गाइज, ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। सो गाइज लेट्स सी द लास्ट प्रोडक्ट। सो द लास्ट वन एक नेकलेस सेट है फ्रॉम द ब्रांड जावेरी पल्स, एंड गाइज इसका प्राइस MRP वॉज 3633, जो कि 3633 है, बट ये उतनी की है नहीं। सो गाइज ये आपको इस तरीके के बॉक्स में मिलती है, विच इज़ गुड। एंड गाइज इसमें आपको एक नेक पीस मिलता है, ईयरिंग पेयर मिलती है और एक मांग टीका मिलता है। सो लेट मी शो यू फर्स्ट ईयरिंग के साथ शुरुआत करते हैं। सो गाइज इसकी ईयरिंग बहुत खूबसूरत है गाइज, सो दिस इज़ द ईयरिंग गाइज। इसमें भी ऑल ओवर कुंदन और पर्ल्स का वर्क हो रखा है, ऊपर पर्ल्स है, नीचे कुंदन है, देन फिर नीचे पर्ल्स हैंग हो रखे हैं, एंड झुमकी में भी कुंदन और पर्ल्स हैंग हो रखे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल वाला पीस है ये, आई होप आपको दिख रहा हो। सो या गाइस दिस इज अ ईयरिंग, ज़्यादा हैवी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द मांग टीका। सो गाइज हेयर इज़ द मांग टीका, इसमें भी कुंदन और पर्ल्स का वर्क हो रखा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है बट अच्छी है। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द नेक पीस। सो गाइस हेयर इज़ द नेक पीस, इसमें भी ऑल ओवर कुंदन और पर्ल्स का वर्क है, नीचे पूरे पर्ल्स हैंग हैं और इस एरिया पे पूरा कुंदन का वर्क है, पीछे आपको डोरी मिलती है। ये भी काफ़ी खूबसूरत पीस है गाइस, आप इसको बस वेयर कर लो ना अपने किसी भी आउटफिट के साथ, मतलब इतने वेयर को तो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लगने वाली है ये पीस, साड़ी के साथ भी बहुत खूबसूरत लगेगी। सो या गाइस दिस इज़ द नेक पीस, एंड गाइस सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइजेज आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे एंड सबके बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर लेना। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप कि मेरा ये कलेक्शन आपको पसंद आया हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ना, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे, एंड सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।